हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। आज हमारी शादी की सालगिरह है, तो आज देखते हैं कैसे सेलिब्रेट करते हैं। अभी तो ये ऑफिस चले गए हैं, मैं भी अभी बैठी थी, सारा काम उठा के चाय पी रही थी, और आज मैंने अपने हाथों में मेहंदी लगाई है। अलग सा फीलिंग आ रही थी मेहंदी लगाने के बाद, मुझे ऐसा लग रहा था, बार बार सुबह से ऐसा लग रहा कि आज करवा चौथ है क्या, क्योंकि मेहंदी मैं थोड़ा कम ही लगाती हूँ। मन तो करता लेकिन बच्चों के चक्कर में ही लगा पाती हूँ। इतना बड़ा दिन है हमारे लिए तो मेहंदी लगानी चाहिए। कल मेहंदी दी, कल के दिन मुझे मेहंदी लगी थी, और आज शादी है। अभी ऑफिस गए हैं, शाम तक देखते कब तक आएंगे। कहा था मैं कुछ जल्दी आना, लेकिन मुझे लग नहीं रहा जल्दी आएंगे। ये हर बार ऐसी बोलते हैं जल्दी आऊँगा, लेकिन पूरा काम निपटा के आती हूँ। बट कोई नहीं, घर पे ही सेलिब्रेट कर लेंगे, है ना। और सेलिब्रेट से मतलब होता है, जरूरी नहीं है कि बाहर जाके सेलिब्रेट होता है। मुझे तो घर पे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चे भी कंफर्टेबल घर पे ही होते हैं, बाहर ढंग से हो नहीं पाता, क्योंकि बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, बच्चों को समझ नहीं है अभी। देखो ये हमारे गमले हैं, ये मैंने बीज से लगाए थे, बीज डाले थे। ये पौधा आ गया हमारा तुलसी का, ये मोरिया है, इसमें कुछ भी नहीं आया अभी। ये आम का पेड़ है, ये देखो गाइस, चलते हैं गाइस घर के अंदर। गाइस ये भी ऑफिस से आ गए हैं, और अब केक काटने की तैयारी चल रही है यहाँ पर। ये सब लोग बैठ गए हैं, हम लोग सब तैयार हो गए हैं। मिष्टू केक कट करना है, मिष्टू पहले बैठ गई। ये भी बहुत जल्दी, कितनी जल्दी आए थे ऑफिस से आवाज? मत पूछो, सही बात है, मत पूछो। तो अब केक काटते हैं, पूरा दिन तो ऐसे निकल गया इंतजार करने में, अब केक काटते हैं। तो ये है केक, बहुत ही प्यारा केक है। वाओ, मम्मा की पसंद का केक आया है मिस्टू, है ना। मिस्टू पहले से रेडी हो गई, रवानी भी हो गया। हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी। कितने साल हो गए? नाइन। पता लग गया, हम 10वां शुरू हो गया। हाँ गाइस, अब केक कट कर रहे हैं, मिस्टू चलाएंगे। वेट, मिस्टू को सॉन्ग की हो रही है, सॉन्ग चला दो चला दो। तो करते हैं केक कट, आ जल्दी आओ, नहीं इधर पकड़ो आप उसको फोन की, मिस्टू पीछे हो जाओ। लास्ट में यार ये क्या कर रहे हो आप लोग? हमारे साथ सबसे जबरदस्त प्रैंक हो गया। फायर कैंडल से मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? Happy anniversary. Happy anniversary. अरे मुझे तो खिला दो। गाइस मुझे तो खिलाया नहीं। रोनी बताना कैसा है केक? अच्छा है ना। तो गाइस केक कट कर लिया हम लोगों ने, बाकी अभी खाने पीने की तैयारी करेंगे। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? ये लोग डांस कर रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। इधर आ जाओ, फोन साइड में ले लो, बात कर लो। तो बारात आ गई? अभी नहीं, अभी आने वाली है। एक घंटे अभी कम से कम, 12:30 बजे रात को बारात आई थी। थक गई थी बेचारी, 12:30 बजे तो मैं कह रही अब आएगी अब आएगी, बैठे बैठे पाए। देव की थाल भी कितनी नई थी, मतलब 1 किलोमीटर रहा होगा ज्यादा ज्यादा। ये लोग नाचते 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 ना, टाइम नहीं देख रहे, नाच रहा था नाच, बाकी लोग रहे थे, मैं तो देख रहा था सबको। 9 बजे से 8:30 बजे चले हुए, पहुंचे ये लोग 12:30 बजे। मैं वहाँ बैठे 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 इंतजार, अब आएगी मेरी बात, अब आएगी अब आएगी। हाँ सब लेट हो गया, तो आज 9 साल बाद है ना, 10 बार स्टार्ट हो गया उस साल बाद।
जैसे अब पता ही लगा देखो 10वां साल स्टार्ट हो गया, कब पता लगा शादी को 20 साल हो गए, मेरे रोनी मिष्टी जवान हो गए, मिष्टी भी आ गए, रोनी सो गया तो ये दिन में सोती है, आज शादी वाला दिन है भाई हमारी, इतने गाने चले थे डीजे में, इतने लोगों ने डांस किया था, हमने भी तो डांस किया था। तो गाना कौन सा गाना बताओ, भाई देखना है मुझे, बस रहने दो, ये भी आ गई, नहीं 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 मेरा महबूब, ये तो हमने किस गाने डांस किया था, मेरी आशिकी याद है, बस तुम ही हो, याद है, याद आ गया, मुझे लगा भूल गए हो, 10 साल फिर से पूछूंगी मैं आपसे, देखेंगे ना किसकी याद आ जाती है, सीडी हर 5 साल में रिवाइंड करके देखनी पड़ेगी है, कौन सा गाना चलाया था, जब स्टार्टिंग में हम लोग वहाँ वैशाली में नए घर में आए, जब हम जहाँ रह रहे थे वहाँ पे चला ही बोलते यार ये चढ़ जाते थे, आज चलाना था यार, है ना, अब तो खैर मान, अब जब बच्चों से जब मिस्टी और समझदार होगी तब चलाएंगे अगले साल, और बड़ी हो जाएगी, नहीं तो पूछेगी मम्मा मैं क्यों नहीं हूँ इसमें, मुझे पहचानेगी भी नहीं मिस्टी, लेकिन पहचान लेती है मिस्टी, रोनी जब मेरी पुरानी फोटो देखता था ना तो रोता था, एक बार उसको बताया रोनी को फोटो देखा कि ये मम्मा है, और रोनी ने देखा कि मम्मा तो बहुत तकलीफ सी है, और मैं उस टाइम में खूब ऐसी थी हेल्दी सी, रोनी की बात हो गई थी, रोनी रोने लग गया उस फोटो को देख के, मम्मा कहाँ चले गई, मेरी मम्मा कहाँ चली यार, लेकिन मिस्टी ने पहचान लिया तुरंत कि मम्मा आएगी, फिर से मेरे साथ वही हुआ जैसे कैंडल जलाई रितु पीछे, अरे यार मेरे साथ ये तो क्यों होता है, इस बार सुनो अगर सच में अगर आ गई होती तो इस बार कुछ और अलग था ना, जैसे पटाखा फूटता इस बार, पता नहीं इस बार भी ऐसा ही, अब मत लेके आना, फ्री का मिले साइड फेंक देना भैया, फ्री का ही मिलता वो, मैं थोड़ा ही बोलता उसको कि भाई देखे जा, हाँ भैया साथ में ही आता है वो, इस बार मुझे बड़ा झटका लगा, मतलब ऐसा हुआ कि ये क्या हो गया मेरे साथ फिर से, बर्थडे मेरे बर्थडे वाले दिन भी ऐसी हुआ था, लेकिन आपके बर्थडे में तो नहीं था, मेरे बर्थडे में ही मिल रहा है फ्री, मेरे बर्थडे में ही फ्री मिला, केक वाला ना दिया, और आज एनिवर्सरी वाले दिन ही दिया, पता नहीं क्यों, बहुत अच्छे तरीके से मनाया बर्थडे, मतलब एनिवर्सरी जैसा भी किया, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आपको अच्छा लगे, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।